ओहो वॉइस नहीं आ रही हाँ हाँ आ रहा है अब आगे म्यूट कर दिए थे यार सॉरी शक्तिमान सॉरी 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब सब वॉइस आएगा एकदम चौ, चौचक वॉइस आएगा कहाँ हो सबके सब सबके सब, सब कहा हो बालक आओ जल्दी शुरू किया जाए यार टाइम नहीं है बहुत सारे अब दो तीन दिन बाद आपका एग्जाम है बहुत मेहनत करना है एमजी सी में इस बार रिकॉर्ड बनाना है बीएससी मैथ के बच्चे इस बार हिस्ट्री क्रिएट करेंगे मैं रिकॉर्ड बनाएंगे रे रिकॉर्ड रिकॉर्ड फिजिक्स के क्वेश्चन धुआं करके आएंगे बस साथ जुड़े रहिए रोज का रोज जो कराया जा रहा है कम से कम उतना करिए आप लोग और लाइक नहीं कर रहे हैं ये गलत बात है महापाप है घोर पाप है इस पाप का कोई भी इलाज नहीं है लाइक नहीं कर रहे हैं शेयर नहीं कर रहे हैं बच्चे कहाँ हैं हमारे बिछड़े यार कहाँ हैं बिछड़ गए हैं बीएससी मैथ के लिए बीएससी बायो के लिए इम्पोर्टेंट है तीनों बच्चों के लिए बहुत 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 जरूरी है समझ रहे हैं आप तीनों हो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है केवल दो लोग वाचिंग सात लोग ठीक और सब कहा हैं सर इतना सा एग्जाम क्रैक हो जाएगा उम्मीद तो है मेरे प्यारे भाई कि अगर इतना कर लोगे तो कम से कम एटलीस्ट फिजिक्स का जो पोर्सन आपका कवर हो जाएगा ठीक फिजिक्स का पोर्शन आपके इतने क्वेश्चन से कवर हो जाएंगे बस यह है कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा अपने से मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा और कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ कराया जाएगा आज एक क्लास चलेगी कल तोल का पोर्सन कंप्लीट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट हो गया सेमी कंडक्टर हो गया और आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया तीन चार टॉपिक का करके कल हम टॉपिक्वेशन कराएंगे कवर हो जाएगा ठीक उसके बाद ट्वेल्थ ट्वेल्थ को आपका टेस्ट है एकदम बंफर टेस्ट है एक नंबर का टेस्ट है टेस्ट कराया जाएगा उसके बाद आप लोग को सारी दुआएं दी जाएंगी आशीर्वाद दिया जाएगा और जाके बारह तारीख तेरह तारीख को एग्जाम में फोड़ देना टेलीग्राम बन गया नहीं आज मैं बना दूंगा मेरे प्यारे बच्चों कल बोला था आज बोला था बनाने के लिए आज के लिए खेद है बहुत बहुत सॉरी लेकिन मैं बना दूंगा आज बना दूंगा सब लोग ज्वाइन हो जाना ठीक है टेस्ट में चीटिंग मत करना

थोड़ा देखते हैं ना ये ये थम्स वाला बढ़ता है तो अच्छा लगता है लाइक करो वॉइस स्लो आ रही है स्लो क्यों आ रही है भाई तू भी तेज हो जाना स्लो नहीं आना चाहिए इसको तेज होना चाहिए ओके चलो चलो जल्दी जल्दी लाइक करो लाइक करो फुल है एकदम फुल है तो हम भी फुल ही बोल रहे हैं एकदम पेट दर्द होने लगा बोलते बोलते अब किसने तेज बोले सब लोग कहाँ हैं यार बीस बाईस लोग थे ना कहा चले गए कर दिए हैं लाइक हाँ हाँ ये हुई ना बात लाइक कर दो एकदम चाप के लाइक करो नहीं लाइक करोगे पाप लगेगा ठीक मैं कर दिया सर जी इतना डब्बे में लिखेंगे गुप्ता जी नहीं समझ में आएगा ओके आओ चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बहुत हुआ ठीक अब जिनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे ठीक और ये आपका इसका जो पीडीएफ है मैं बार बार बोल रहा हूं इसका पीडीएफ है लाइव स्ट्रीम होने के बाद खत्म होने के बाद एक घंटे डेढ़ घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा उसके बाद आपका क्या, क्या कर दिया जाएगा अपलोड कर दिया जाएगा आपका वही कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं कितना क्वेश्चन आएगा नीतीश चौहान जी देखिए में फिजिक्स का वैसे बीस बीस क्वेश्चन आते हैं लेकिन बात यह है कि इन लोग का कुछ डिफाइन नहीं है सो प्लीज ये मत पूछिए दोबारा कि कितना क्वेश्चन आएगा बीस बीस आता है ठीक लेकिन अब कितना आएगा वो नहीं पता ओके okay, सर तो सभी लोग जुड़ गए हैं अब क्वेश्चन करते हैं टॉपिक क्या रहने वाला है रहने वाला है okay, है ओके दूसरा टॉपिक प्लस फ्लूड प्लस मैकेनिक्स आपका ऑप्टिक्स ये चार आपका मिला के पच्चीस या तेईस चौबीस जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बीएससी मैथ और बीएससी बायो के अंदर पूछा जाएगा स्टार्ट जय किसान जय मेरे विज्ञान आगे आते हैं चलो स्टार्ट करते हैं कह रहा है वाट इज द वेलॉसिटी ऑफ लाइट देखो उसका हिंदी में भी होगा ना हम्म ठीक हिंदी बता दे रहे कह रहा है वाट इज द वेलॉसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज टू पॉइंट फाइव कहते हैं हिंदी पढ़ते हैं कह रहा है हीरे में प्रकाश का वेग क्या है यदि निर्वात में संबंध में हीरे का अपूर्तनांक दो है सॉल्व करो इस टाइप के क्वेश्चन जो यूपीसी वाले बच्चे होंगे उनको कराया गया है इसका फॉर्मूला बताया गया है. बता बता, क्या है क्या दे रखा है म्यू की वैल्यू दे रखी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है म्यू की वैल्यू क्या है 2.5 है ओके क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड तो हम क्या लिखते हैं म्यू स्कोर टू क्या होता है सी अपॉन बिलास्टी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ठीक यहां मीडियम क्या है डायमंड है पूछ रहा है ओके okay. म्यू की वैल्यू कितनी है टू पॉइंट फाइव क्वेश्चन में दे रखा है सी क्या? क्या है स्पीड ऑफ लाइट तीन गुड़े दस घाते आठ और ये वी मीडियम ये मीडियम क्या है डायमंड है उसी में हमको निकालना है कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा वेलोसिटी इन मीडियम इक्वल टू कितना आ जाएगा ये जाएगा थ्री इंटू टेन टू दावर एट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टू पॉइंट फाइव इसको सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे बताइए कितना आंसर आएगा बताइए बताइए इसको सॉल्व करिए थ्री इंटू टेन टू दावर एट डिवाइड बाई टू पॉइंट फाइव ए आ रहा है ए कैसे अगर अगर टू पॉइंट फाइव में अगर वन पॉइंट टू का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फाइव फाइव और टू कितना आ जाएगा थ्री बिल्कुल ए जो है आपका राइट right आंसर है ठीक है कैसे निकालते हैं म्यू जब निकालना होता है फॉर्मूला होता है म्यू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ये फार्मूला होता है

म्यू दिया है किसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है या वैक्यूम दिया है कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू टू विथ ग्लास तो ऐसे लिखेंगे mu, बराबर क्या लिखेंगे अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और ये आप लोग पढ़े हैं इसकी वैल्यू होती है म्यू टू अपॉन म्यू वन ये क्या हो जाएगा सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऐसा दे सकता है लेकिन यहां क्या दिया है यहाँ वैक्यूम दिया है तो म्यू वन की वैल्यू वन हो जाएगी इसलिए म्यू टू इतना हो गया एडमिट कार्ड आ जाएगा बहुत जल्दी आ जाएगा आपको एडमिट कार्ड ठीक है तो ये सबका क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं ठीक दूसरा क्वेश्चन देखो ये इसका हिंदी मतलब था तो ये, आप ये आपका राइट आंसर था आगे आते हैं आगे आते हैं आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देने का कारण क्या है आकाश का नीला रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देने का कारण क्या है क्या है ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट इज ड्यू टू बताओ चार ऑप्शन है इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन या Scattering, अभी हम लोगों ने किया अभी जस्ट बायो के क्लास में हम लोगों ने किया फटाफट फटाफट फटा जो गलत बताएगा कूट देंगे उसको हम एकदम गोली मार देंगे एकदम एकदम छाती पे गोली मारेंगे एकदम ठीक क्या है स्केटरिंग स्केटरिंग की वजह से आकाश का नीला दिखाई देना आकाश का लाल दिखाई देना पीला दिखाई देना प्रणाम प्रणाम मिथिलेश कुमार जी बहुत बहुत प्रणाम एकाक दो किलो प्रणाम आ गया ये ठीक है स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है हमको जो हमारा क्या होता है आसमान होता है वो नीला लाल जो भी होता है नीला लाल बहुत लाल इसी वजह से दिखाई देता है ठीक है पापा का लाल माई का लाल इसी वजह से दिखाई देता है ठीक है अब पूछते हैं कि सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर अपने अपने माता जी का लाल है इसलिए लाल दिखाई देता है कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं <laughs> कहते हैं सर सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है तो कहेंगे वो अपने माई का लाल है इसलिए लाल दिखाई देता है ठीक बहुत चलाक बच्चे होते हैं पापा का लाल हाँ सूर्य देवता पापा का लाल है देखो ये होते हैं ना साहिब वर्मा जी ये ब्रिलियंट बॉय होते हैं सूर्य लाल किसी में ऑप्शन नहीं है होना चाहिए था सूर्य अपने पापा का लाल है <laughs> इसलिए लाल दिखाई देता है बहुत चलाक बच्चे हैं फिजिक्स की भाषा में पूछ रहा है आप किसके लाल हैं हम हम नहीं बताएंगे हम नहीं बताएंगे सर हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा ना बिल्कुल दोनों मीडियम में आएगा, एक चाप के आएगा। एकदम के हिंदी पढ़िए, पढ़िए। इंग्लिश ठीक, तो आगे आते हैं आगे क्वेश्चन साथ पे आते हैं बहुत मजेदार है पढ़ा करते हैं, मजा आएगा एकदम बच्चे एकदम एकदम झन्नाटे चटकाते बोलते ना एकदम चटकदार एकदम क्वेश्चन है एकदम एक सुन के पढ़ के मजा आएगा क्या सर हम कहीं का, कहीं और वेट कर रहे थे क्या सर हम कहीं और वेट कर रहे थे किटकेट जी कोई बात नहीं वेट मत करिए अरे भाई पता नहीं कौन फोन कर रहा एक है एक बार जा रुकिए तो हेलो हाँ बत... हेलो हाँ बताइए अरे भाई लाइव क्लास के अंदर है। थोड़ा देर बाद कॉल करना कॉल कट कर रहे हैं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है चार बार कॉल कट किए हैं चलिए ठीक है सर मम्मी पापा दोनों के लाल है बिल्कुल ये तो और ब्रिलियंट है सर प्लीज। बिल्कुल ना उनको तो पता ही नहीं, तो मतलब नहीं समझ में आता वो खाली पढ़ने में व्यस्त रहते हैं एकदम ब्रिलियंट बॉय सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी भी कहती हैं ऐसे तुम बहुत अच्छा पढ़ाते हो पैदा हुए थे तभी हमको नर्स कही थी तुम बहुत अच्छा पढ़ाओगे ठीक है टर टू ग्लास इज बेंड प्रणाम एम बी एच जी प्रणाम लेट हो गया थोड़ा कह रहा है हिंदी वाले बच्चे बहुत जल्दी नाराज होते हैं सर हिंदी में भी बता दीजिए हिंदी में नहीं है सॉरी दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन नहीं है कह रहा है की अरे ऑफ लाइट पासस फ्रॉम वाटर टू ग्लास जब एक रे जब एक लाइट जो होती है क्या करती है वाटर से कहा जाती है वाटर से जाती है ग्लास में ओके वाटर से जाती है ग्लास में तो क्या होता है क्या होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड अप क्या है कि नॉर्मल से दूर हटती है और उसकी गति तेज हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्लो डाउन नॉर्मल से दूर जाती है लेकिन उसकी जो गति होती है वो धीरे हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्लो डाउन नॉर्मल की तरफ जाती है और उसकी गति धीरे हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्पीड अप नॉर्मल की तरफ जाती है और उसकी गति क्या हो जाती है तेज हो जाती है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जब लाइट जाता है कहा वाटर से ग्लास में अच्छा वाटर कौन सा मीडियम है वाटर जो होता है वाटर और ग्लास ठीक है वाटर का जब निकालेंगे और ग्लास का निकालेंगे तो बताइए कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है यह पता होना चाहिए कौन सा वाटर डेंसर है कि ग्लास डेंसर है बताओ फट बताओ हाँ बी ए क्लास चलने वाली थी लेकिन अभिमान सर की हालत अभी क्लास लेने लायक नहीं है तो अभी वो बी ए क्लास को कल चलाया जाएगा गुरुजी गुड इवनिंग बताइए वाटर क्या है डेंसर है कि रेयर है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो क्या होता है डेंसर होता है और जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है वो क्या होता है रेयरर होता है अब बताइए वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है फटाफट बताओ क्वेश्चन समझने लायक है तो क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बताओ सभी लोग को बताना है बता बताओ कितना होता है ग्लास का डेंसर है क्या डेंसर है अब ये पता होना चाहिए इन दोनों पता कौन, कौन है कौन कौन डेंसर है कौन रियरर है अब बताओ जुम जरा बताओ ग्लास का कितना होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है कोई एक लोग बताए वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है एक लोग बताए ग्लास जैसे पहले ये बताओ वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है म्यू की वैल्यू कितनी होती है बताओ जवाब दो फटाफट ओके ग्लास कितनी होती है ग्लास की कितनी होती है ग्लास की बताओ ग्लास की कि कितनी होती है ग्लास का अपरतना कितना होता है वो बताइए ग्लास का अपरतना कितना होता है जवाब दीजिए आप ही लोग से पूछेंगे आज थ्री पॉइंट टू फिर गलत बता रहे हैं वैल्यू नहीं आते सर क्यों वैल्यू नहीं आते तो पता नहीं चलेगा ना कौन डेंसर है कौन रेयर है अरे जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो डेंसर होगा और जिसकी होगी वो रेयर होगा बताइए अभी को पता करना पड़ेगा आपको पता पढ़ना पड़ेगा कौन डेंसर है कौन रेयर है बताइए बहुत बच्चे सही बता रहे हैं कितना 1.33 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.33 ये कितना हो जाएगा 1.5 समथिंग आता है ठीक कितना होता है अब बताइए ये 1.5 बड़ा है ना तो ये डेंसर हो गया ये क्या हो गया ग्लास जो है वो क्या हो गया डेंसर हो गया और ये क्या हो गया वो रेयर हो गया अब ये समझ में आ गया कि ग्लास जो है डेंसर है वाटर क्या है रेयरर है ठीक हाँ, ग्लास का मैंने लिख दिया ना वन पॉइंट फाइव थ्री बाई टू इसका 3, 3. बड़ा ग्लास क्या है हो गया, और वाटर क्या हो प्यारे बच्चों वाटर टू ग्लास कहा जा रहा है वाटर से ग्लास में बहुत ध्यान से देखना अब वाटर क्या है वाटर बता दिए मेरे रेयर है और ग्लास क्या है ग्लास हमारा डेंसर है लाइट कहां जा रहा है लाइट जा रहा है रेयरर से डेंसर यानी सघन से कहा जा रहा है विरल में कहा जा रहा है सघन से विरल में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ड्रॉन ठीक है क्या करते हैं डेंसर टू अवे फ्रॉम नॉर्मल डेंसर टू अवे फ्रॉम नॉर्मल अगर डेंसर से रेयर जाएगा कोई लाइट तो क्या होता है नॉर्मल से दूर हटता है लेकिन इस केस में क्या है रेयर से डेंसर जा रहा तो रेयर से डेंसर जाता है तो क्या करता है नॉर्मल की तरफ झुकता है ये क्लियर है तो पहली बात तो जो लाइट जाएगी वो नॉर्मल की तरफ जाएगी नॉर्मल की तरफ झुकेगी टुआर्ड द नॉर्मल अब स्पीड की बात करते हैं मतलब ये दोनों ऑप्शन अब नहीं होगा ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए टुअर्ड्स द नॉर्मल द नॉर्मल अब स्पीड देखना है स्पीड क्या होता है स्पीड जो होता है वो इक्वल टू होता है सी अपॉन वी ये होता है ना जिसमें म्यू ज्यादा अगर म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी वेलोसिटी घट जाएगी यहां से रिलेशन है म्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी अच्छा बताओ कहा जा रहा था ये जा रहा था वाटर से वाटर से कहा जा रहा था वाटर से जा रहा था ग्लास में यानी 1.33 से जा रहा था में 1.5 बिल्कुल जा रहा था तो 1.33 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है कम है यानी इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसमें वेलोसिटी क्या होगी कम होगी जिसमें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी तो नॉर्मल होगा और क्या होगा स्लोस डाउन होगा उसकी स्पीड क्या होगी स्लो डाउन होगी बिल्कुल तीसरा ऑप्शन क्या होगा बहुत बहुत सही एकदम एकदम मेरे बच्चे एकदम मन खुश कर दिए सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा सी जो होगा होगा वो राइट आंसर अब ये बात मत बोलना सर मेरा डाटा खत्म हो गया डाटा खत्म हो गया हम बहुत मारेंगे पता नहीं क्या करते हो दिन भर इंस्टाग्राम पर डूबे रहते हो ठीक है टू द नॉर्मल एंड स्लो डाउन ये क्लियर है ये क्लियर है प्यारे लाल आगे बताएं क्लियर है ना हमने ये कहा देखो जिसकी देख बच्चा फिर से देख ले ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा पगला देख देख पगला क्या कहें हम कहें कि जो डेंसर होता है ना वो क्या होता है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और रेयरर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कम होता है ठीक है रेयरर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है हमने बोला एक ग्लास था क्या था एक ग्लास था और एक क्या था वाटर था अभी तुम ही लोगों ने बताया सर वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थ्री होता है और ग्लास का रिफ्लेक्टिव तो रेयर हो गया और ये हमारा डेंसर हो गया तो हमने जान दिया कि डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है ज्यादा होता है अच्छा डेंसर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो डेंसर में वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी वेलोसिटी इन डेंसर इज लेस देन वेलोसिटी इन रेयरर क्योंकि म्यू स्कल टू क्या होता है सी अपॉन वी जिसमें जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें वेलोसिटी वेलोसिटी कम कम होती है. है, कम होती है 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 डेंसर का इंडेक्स ज्यादा होता इसलिए में तो लाइट कहां जा रहा है वाटर से ग्लास में यानी रेयरर से डेंसर तो वहां तो स्पीड डाउन हो जाएगी ठीक है लेकिन जब डेंसर रेयरर से डेंसर जाता है तो क्या होता है नॉर्मल की तरफ थोड़ी नॉर्मल से पास जुटा जाता है ठीक है ठीक तो ये जो इसका होगा टू आज द नॉर्मल एंड स्लो डाउन ठीक है ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा आगे आते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखो इसका हिंदी नहीं था ठीक है इसका हिंदी नहीं था उसके लिए सॉरी अगला क्वेश्चन देखो कह रहा समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब डैश है ठीक है।, है इसका हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं अगर मैं भी हो तो ठीक है हाँ। इमेज प्लेन मिरर इज ऑलवेज कौन बताएगा इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज ऑलवेज बताओ कमेंट करके क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक वर्चुअल एंड इरेक्ट रियल एंड इनवर्टेड रियल एंड इरेक्ट और लास्ट ऑप्शन है हिंदी बताते हैं वर्चुअल एंड इनवर्टेड हिंदी वाले बच्चे देख लें ठीक हिंदी वाले बच्चे इसको देखें कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव ठीक है बीच में क्या है डैश है होता है क्या अभासी एवं सीधा वास्तविक और उल्टा ठीक तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा और चौथा क्या है आभासी और उल्टा सब लोग इसका ऑप्शन हमें बताएं, ठीक है इसका हमको आंसर चाहिए प्लेन मिरर जब रखा होता है ठीक है ये प्लेन मिरर है इसका एक साइड क्या होता है पॉलिस होता है इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट हम खड़ा करते हैं ठीक तो एक लाइट जाती है उसके ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली आती है ठीक है ये लाइट गई और लाइट कहां से उसके ओरिजिन से वापस चली आई एक इसके परपेंडिकुलर फॉल होती है सरफेस के और ये जाती भी है उसी मार्ग पे वापस भी लौट जाती है ठीक है पीछे जब हम बढ़ाते इमेज देखने के लिए इसे पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है बढ़ाना पड़ता है यानी कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो हमारा क्या है वो हमारा रियल नहीं है जो हमारा इमेज है वो रियल नहीं है वो वर्चुअल है इमेज कैसा हो गया इमेज हमारा क्या हो गया वो वर्चुअल है क्योंकि उसको बढ़ा के बनाना पड़ रहा है ठीक है तो वर्चुअल है और कैसा बन रहा है ठीक सीधा बन रहा है उतनी दूरी पे बन रहा है जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या बन रहा है वर्चुअल बन रहा है और हमारा क्या बन रहा है इरेक्ट बन रहा ठीक है सीधा बन रहा तो हमारा क्या बना आभासी एवं सीधा देख लो वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक इसका हिंदी देख लें बी ऑप्शन बहुत लोग का आ रहा है हाँ बारह को टेस्ट है फी ऑफ कॉस्ट है ठीक है कोई चार्जेस नहीं है बिल्कुल सभी लोग आभासी एवं सीधा ठीक है तो समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है क्या होता है आभासी और सीधा होता है ठीक ठीक है वर्चुअल एंड इरेक्ट आगे आते हैं ठीक है अब ये बताओ ये क्वेश्चन कैपेसिटर का है बहुत सारे कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है किस कॉम्बिनेशन में देख के बताइए सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में है समांतर और श्रेणी क्रम दोनों में है अब बताइए कि इनके बीच का ये जो पॉइंट है ठीक है दिया नहीं गया है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है इनके बीच का तुमको क्या बताना है दिखाए गए चित्र में जोड़े का परिणामी धारिता क्या होगी द रिजल्टेंट कैपासिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सोन इन फिगर इस कैपासीटर जो फिगर आपको दिख रहा है इसके कॉम्बिनेशन का आपको कैपासिटेंस कितना होगा सॉरी सर गलत हो गया कोई बात नहीं ध्यान में रखिए सवाल सॉल्व सोल्व कंसंट्रेशन बनाए रखिए ठीक है थीके? इसको बताइए इसको सॉल्व करिए चलिए पिछले क्वेश्चन को भूल जाइए ठीक है इसको बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए सब लोग सर बुक दो मिनट का टाइम है आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइएगा नंबर मैंने पिछली क्लास में दे रखा है ठीक है उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा उसमें मैं लिंक आपको सेंड करूंगा बारह तारीख को और टाइम भी बताऊंगा कब है पच्चीस फिजिक्स का पच्चीस मैथ का और पच्चीस केमिस्ट्री का सेवनटी फाइव होंगे टेलीग्राम पे होगा इसका इसका सॉल्व करके बताओ ट क्या सारा सलूशन है, है। सॉल्व करने के बाद चलेगा ठीक है कुछ बच्चों का चार आ रहा है वन और से बताए दो लोग का फोर तीन लोग का फोर और आ गया है चौथा ऑप्शन गुप्ता जी ऐसे टाइप मत करिए पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है सर टेलीग्राम मुझे चलाने नहीं आता कुछ नहीं होता बस टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए अपना नंबर डालिए उसके बाद एक इसे मेरा नंबर लिख के उस पर आप ग्रुप में आइए ग्रुप में ऐड हो जाएंगे सर नहीं वन माइक्रोफेरेड वन माइक्रोफेरेड हरा चौथा ऑप्शन देखते हैं चलो ये दोनों कैपेसिटर ये बताओ किस कॉम्बिनेशन में है ये दोनों कैपेसिटर किस कॉम्बिनेशन में है ये दोनों कैपेसिटर तुम्हारे कॉम्बिनेशन में है किसके ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्योंकि दोनों क्या हुए वन बाई वन जोड़ दिए गए हैं ठीक है ये दोनों भी क्या है ये भी सीरीज में है नीचे वाला भी सीरीज में है और इसके नीचे वाला भी सीरीज में है उसके बाद इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा ये चारों मिला के पैरल कॉम्बिनेशन में और में रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो उसका आर इक्वेलेंट लिखने के लिए हम आर वन प्लस आर टू कर देते हैं ठीक लेकिन यहां सीरीज में है इसका क्या करना इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे वन अपान सी इक्वेलेंट करने के लिए वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू निकालेंगे इसका 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 और इसका निकालेंगे निकालिए कितना हो जाएगा वन अपान C इक्विलोन बराबर कितना हो जाएगा वन अपान जीरो पॉइंट फोर प्लस वन अपान जीरो पॉइंट फोर यह आ जाएगा टू अपान जीरो पॉइंट फोर ओके यानी कि C इक्विलन कितना जाएगा? यह आ जाएगा ये आ जाएगा पॉइंट टू इसका इक्विलन कैपेसिटेंस कितना आया पॉइंट टू ठीक इसी तरह इसका इक्विलन कैपेसिटेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा ठीक है

और इसका इक्वीलन फिर कितना आ जाएगा दोनों सेम है इसका इक्वलन फिर पॉइंट थ्री आ जाएगा अब सबको जोड़ दो टू पॉइंट टू प्लस पॉइंट थ्री प्लस, प्लस फोर प्लस पॉइंट थ्री कितना आ जाएगा तीन तीन छ और 6 दो कितना जाएगा? आ जाएगा पॉइंट एट फोर पॉइंट एट इसका होता है ठीक इसको जोड़िए इसको सॉल्व करिए ठीक है

आ गया, ओके? इस केस में निकालेंगे तो वन अपान पॉइंट सिक्स प्लस वन अपान पॉइंट सिक्स करके क्या निकालेंगे 2 by इस केस में आ गया, आपका गलत दिया है वहां पॉइंट फोर होना चाहिए यहाँ पे पॉइंट फोर होना चाहिए जीरो पॉइंट फोर और जीरो पॉइंट फोर होना चाहिए ठीक है तो इस केस में फिर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट टू आ जाएगा ये क्या हो जाएगा फिर पॉइंट थ्री अब तीन तीन छह चार दस

सबको क्लियर है बहुत सही आगे आते हैं ठीक है देख लो आगे कौन सा क्वेश्चन है अब क्या कह रहा है अब इसको देखो ध्यान से देखो पढ़ो जरा पढ़ो क्या लिखा है पढ़ो क्या लिखा है दो माइक्रोफ़ेरड, चार माइक्रोफ़ेरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देख लो बना लो कितना है दो माइक्रोफेरेड चार माइक्रोफेरेड कैपासीटर कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज में कनेक्ट कर दिया कितना दो माइक्रोफेरेड और चार माइक्रोफेरेट सीरीज में कनेक्ट कर दिया कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द वोल्ट बैटरी बैटरी क्या है बैटरी आपका एटीन वोल्ट है ठीक है कह कह रहा रहा है है द द चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज दो माइक्रोफेरेट चार माइक्रोफेरेट संधारित को श्रेणी क्रम में जोड़कर अठारह वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो संधारित में एकत्रित आवेश कितना होगा एनर्जी स्टोर्ड चार्ज स्टोर्ड कितना चार्ज होगा चार्ज स्टोर मतलब कि एनर्जी स्टोर कितना होगा पहले सी इक्विवेलेंट निकालो इस सर्किट का सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए ये हो जाएगा चार दो ऐसे होगा नहीं इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा सी इक्विवेलेंट निकालेंगे ना वन बाई सी वन प्लस करिए कितना आ जाएगा वन बाई टू कॉमन कर लेंगे तो बचेगा वन प्लस वन बाई टू यानी क्या हो जाएगा वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाई टू कितना जाएगा ये थ्री बाई फोर यानी फोर बाई थ्री बन गया और बताइए क्यू प्रपोर्सनल टू सी क्यू स्कोर टू क्या होता है सीवी और वी स्कोर टू क्या स्कोर टू क्या हो जाएगा क्यू बाई भी क्यू की वैल्यू निकालनी सी दिया है और वी भी दिया है सी की वैल्यू आ गया कितना

ठीक बहुत सही एकदम एकदम आप लोग बहुत तेज हो गए हो तीन दिन क्लास करने के बाद आप लोग ब्रिलियंट हो गए हो सच में कह रहा हूं फटाफट आंसर दे रहे हो ठीक है आगे आते हैं बहुत सही बहुत सही गुप्ता जी बाय सर क्यों सर फोर्थ का पोर्शन ज्यादा आएगा फिजिक्स में बिल्कुल आएगा कल मैं फोर्थ का ट्वेल्थ का पोर्शन कराऊंगा एसी करंट होगा ये सब आएगा ठीक है बहुत सही बहुत तुम लोग बहुत तेज हो गए बच्चे अब क्या कर रहे हैं हौसला बनाए रखो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इस बार एमजी के बीपी में बीएससी मैथ के बच्चे बीएससी के बायो के बच्चे रिचार्ज करके आ रहा हूँ बिल्कुल आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मिस मत करिए फिर बाद बाद में में कहेंगे कि ने पढ़ाया था था वही आया था, हम क्रास कर लिए होते पछताने से अच्छा कुछ नहीं है ठीक है और ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्यार से समझाया नहीं जा रहा हर एक छोटे छोटे टॉपिक को आप लोग को समझाया जा रहा है कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है सर वेटेज रेसियो बताइए सर इलेवन ट्वेल्थ का कोई फिक्स नहीं है मेरे प्यारे बच्चे कोई फिक्स नहीं है कितना भी दे देंगे बस आपको दोनों पढ़ना है शिवांगी पाल बोल रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं शिवांगी जी आइए लेट हो गई है क्या शायद आप आइए आइए बिल्कुल आइए क्वेश्चन को साठ बोल्ट तक आवेश करते हैं तो में एकत्रित ऊर्जा कितनी होगी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सोशियोलॉजी का पेपर नहीं पता मेरे भाई कराइए के पीपी में सॉरी यूजी पीजी कोर्स के लिए हम लोग के पास नहीं है माफी चाहते हैं एक पंद्रह माइक्रोफेरेट के संधारित को साठ बोल्ट तक आवेशित करते हैं संधारित में एकत्रित ऊर्जा कितनी होगी बताइए फटाफट आंसर ए ऐसा क्यों मुंह बना के आंसर आ गया एनर्जी कितनी होती है हाफ सी बी स्क्वायर अब देखो ये फिफ्टीन माइक्रोफेरेट है सी स्क्वायर टू कितना है फिफ्टीन माइक्रोफेरेट है इसको पहले फेरेट में कन्वर्ट करिए फिफ्टीन एक माइक्रो होता है टेन टू दी पावर माइनस ये हो जाएगा फेरेट में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay. कोई बात नहीं कोई बात नहीं पढ़िए पढ़िए किसी की फोन से पढ़िए नाना मौसा मौसी सबके फोन से पढ़िए देख नहीं रहे थे साहब मेरा आंसर अरे सॉरी सॉरी देख लिये अब देख लिए इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल वन बाई टू, बच्चे नाराज हो जाते हैं यार ठीक है गिले सिकवे शिकायत करने लगते हैं ठीक है पावर बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे इससे सिक्सटीन का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा सिक्सटीन का स्क्वायर बताओ बालक कितना आ जाएगा ये छत्तीस सौ आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं काटोगे कितना आ जाएगा ये अठारह सौ आ जाएगा आ बताओ गुड़ा है अठारह गुड़े दस घाते दो मल्टीप्लाइड पंद्रह गुड़े दस घाते माइनस छह जरा अठारह में पंद्रह का गुड़ा करो कितना आ जाएगा अठारह में पंद्रह का गुड़ा पंद्रह फटाउट कितना आएगा बताओ यार मैथ थोड़ा मेरा कमजोर है अठारह दहा में एक सौ अस्सी अठारह पचे नब्बे एक सौ अस्सी नब्बे दो तो सत्तर आएगा क्या दो सत्तर तो तो आएगा तो बताइए दो सौ सत्तर माइनस चार अब माइनस चार ना, यहां लगा होता है ना दा, दीजिए एक दो तीन एक जीरो बढ़ा के चार यहाँ लगा दीजिए कितना आ जाएगा पॉइंट जीरो टू सेवन जूल बहुत सही शाबाश पॉइंट सेवन टू जीरो जूल आंसर आ जाएगा आएगा सर बिल्कुल रीजनिंग आएगा बायो में भी रीजनिंग आएगा तीन किसका आ गया तीन नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों को ये फॉर्मुला हाफ सी बी स्क्वायर होता है सी को पहले फेरेड में था माइक्रो फेरेड में था फेरेड में कन्वर्ट किया स्क्वायर कर दिया छह का छत्तीस के करके बार नहीं आएगा अठारह में पंद्रह सत्तर आएगा ए जिसका है वो बहुत 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 सही है एकदम चाप के जा रहे हो तुम लोग एकदम टॉप करने के हकदार हो आप लोग बिल्कुल बस थोड़ा सा मेहनत और है करा अब देखो ये क्लास ये आइए देखो क्वेश्चन देखो ए होगा बिल्कुल बहुत सही है करा इफ अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन अब देखो ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है बहुत ध्यान से सुनिए पीडीएफ चाहिए पीडीएफ 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 बिल्कुल मिल जाएगा। PDF से और PDF आपको मिल जाएगा जाएगा और आपको आपको क्लास खत्म होने के एक डेढ़ घंटे बाद कमेंट बॉक्स में लिंक कर दिया जाएगा डोंट वरी आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर से ये लेक्चर देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बार बार मत बोलवाई यार खा के नहीं आए भूख लग गई है इफ अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज पैरेलल प्लेट कंडेंसर कह द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉलोइ कह रहा है एक आवेशित समांतर पट संधारित पट्टियों के बीच एक शीशे की पट्टी का घुसा देने पर निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होगा ठीक क्या होगा बताओ कह रहा है कि ये दो ये क्या है प्लेट है प्लेट को हमने क्या कर दिया है उसके बीच में कोई शीशे की पट्टी घुसा दे रही है पहले तो क्या क्या नहीं बदलेगा कौन सी चीज चेंज नहीं होगी आवेश धारिता ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चार ऑप्शन है ठीक है चार्ज कैपेसिटी एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कैपेसिटर था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था पहले था बाद में हमने क्या कर दिया एक ग्लास की पट्टिका घुसा दी ग्लास का स्लैब घुसा दिया अब क्या नहीं बदलेगा ठीक है तो पहले कैपेसिटेंस कितना होता था पहले कैप्स पैरल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था नॉट ए बाई डी अब जैसे ही मेटल जैसे ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे फार्मूला बन जाएगा एप्साल नॉट के ए बाई डी जहां के क्या है इस स्लैब का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है जितना होगा ठीक तो पहले सी था अब ये सी क्या हो गया सी बढ़ गया सी बदल जाएगा सी चेंज होगा सी चेंज होगा पूछ रहा है क्या नहीं चेंज होगा सी तो चेंज होगा ये ऑप्शन नहीं है सी चेंज होगा तो एनर्जी क्या होती है हाफ सी बी स्क्वायर एनर्जी होती है सी बदलेगा तो एनर्जी बदलेगी एनर्जी भी ऑप्शन नहीं होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है सी बदलेगा एनर्जी बदलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा ठीक है क्योंकि सी इज इक्वल टू क्या होता है अपॉन क्योंकि यहां वी क्या हो रहा है यहां तुम्हारी एनर्जी क्या हो रही है घट बढ़ रही है ठीक है तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी आपका चेंज हो जाएगा जो नहीं चेंज होगा वो चार्ज है चार्ज क्या हो जाएगा चार्ज हमारा है ओके okay, समझ में आ गया चार्ज हमारा नहीं चेंज होगा पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, होगी ठीक है बाकी सारी चीज नहीं चेंज होगी ओके क्लियर सबको समझ में आ गया ना आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं ओके okay. ठीक अगला क्वेश्चन देखो बहुत मजेदार यार ठीक कोई बात नहीं ठीक है बाद में कर लीजिएगा पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए सर बारिश हो रही है अब बाहर जाएंगे तब ना हमको तो बारिश भी मुमताज नहीं है सावन के हकदार भी हम नहीं है क्यों क्योंकि आप लोग के पढ़ाने के चक्कर में इतना व्यस्त हो गए कि बाहर मौसम नहीं देख पा रहे हैं मैं नॉट यस सर क्लियर क्रिस्टल क्लियर बारिश होती तो हम पहले ही जाते हैं ठीक है आई लव आई लव द रेन ठीक है और सिस्टम ऑफ थ्री आइडेंटिकल कंडेंसर विल स्टोर मैक्सिमम एनर्जी करा है कि तीन एक समान संधारित्र एकत्रित ऊर्जा की मात्रा अधिकतम होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मोहताज मु, नहीं है हाँ बिल्कुल आप लोग को पढ़ा रहे हैं बाहर नहीं जा पा रहे हैं ठीक है मोहताज मतलब होता है कि जो भी हो पता नहीं बोल दिए बस सिस्टम ऑफ थ्री आइडेंटिकल कंडेंसर विल ओ स्टोर मैक्सिमम एनर्जी करा है तीन कैपेसिटर है उसको किस प्रकार से जोड़े हैं कि वो मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करे ठीक है यू इक्वल टू क्या होता है हाफ C v square, यानि कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके कैपेसिटेंस पे, ठीक पैरेलल तो चलो दो को सीरीज में कनेक्टेड कर देते हैं और एक को पैरेलल में ऐसे निकाल कैपेसिटेंस कितना होता है कितना हो जाएगा ये सी बाई टू और ये सी जोड़ लो कितना थ्री सी बाई ठीक ठीक है अब ये क्या कर रहा है टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड थर्ड वन कनेक्टेड इन सीरीज दो को क्या कर रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे ऐसे देख लो निकाल लो ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है और एक को सीरीज में इसको निकाल लो ये हो जाएगा सी ये 2c 1/c 1/2c 1/c निकालेंगे जो भी आएगा ठीक है जब उनको करेंगे जब पैरेलल में तीनों को जोड़ेंगे ऐसे ठीक है तब इनका क्या हो जाएगा तब इनका मिलेगा थ्री सी और जब उनको कनेक्शन सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा सी बाई थ्री मिल जाएगा तो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटेंस होगा जब किसी कैपेसिटर को हम किस में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा उसकी सी इक्विवेलेंट ज्यादा आएगी और जिसकी सी इक्विवेलेंट ज्यादा होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगा तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर जब कैपेसिटर को ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल तब कैपेसिटी मैक्सिमम होगी मोहताज को मींस जो वस्तु ना पा सकी बिल्कुल बिल्कुल योगोश कुमार जी अच्छा एक्सप्लेनेशन किए हैं प्लीज एनी वन गिव एंसर कल विद्यापीठ खुला है अब कल खुला है हाँ खुला है क्योंकि कल बंद नहीं है सर आज हम आपका सॉन्ग सुन रहे थे अभिमान सर के बर्थडे में गाया था आपने बहुत बहुत अच्छा लगा ना बहुत अच्छा लगा ऐसे बहुत सारे गाने रखे हुए हैं ठीक है ठीके? बहुत सारे गाने रखे हुए हैं आप लोग टाप करके आएंगे तो आप लोग के लिए गाना सुनाएंगे जब बच्चा टाप करेगा उसके लिए गाना सुनाएंगे बस आप लोग टॉप करिए दूसरा कोई टॉप नहीं करना चाहिए ठीक दूसरा कोई टाप कर गया तो एकदम बेकार हो जाएगा फिर इतना मेहनत हो रहा है बच्चों बस एक काम करना यार एक गुरु दक्षिणा दे देना टॉप कर जाना यार लास्ट में सुना देंगे बिल्कुल सुना देंगे धीरे धीरे पढ़ाइए सर बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं एक हो जाए सर मेरा जाएल्थ में फिफ्टीन ओबीसी में सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं फिफ्टी परसेंट है कोई दिक्कत नहीं है फिफ्टी परसेंट के ऊपर चलेगा सिंगिंग अच्छा करते हैं ठीक है मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों तुम लोग टॉप कर जाना खूब बढ़िया से रैंक लाना एकदम झोर के रैंक लाना बस इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए मुझे ठीक है वो मिठाई वाली बात मजाक कर रहा था ठीक बस आप लोग टॉप कर जाना मेरे मिठाई के मेरा मेरा मिठाई वही है ठीक है मेरा मीठा भी तुम हो मेरी नमकीन भी तुम हो ठीक है सब कुछ तुम ही हो मेरे प्यारे बच्चों माय लाइफ इज सेक्रीफाइस टू माय स्टूडेंट मेरी जीवन जो है मेरे बच्चों पे समर्पित है ठीक सॉन्ग सुना देंगे कोई बात नहीं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक सर तो टोटल में से कितना कितना है पेपर का

दोनों पे, मीडियम पेपर दोनों मीडियम रहेंगे मटर भी हो ठीक है अब जो भी बोल दो ठीक है अब देखो क्वेश्चन देख लो बस दो मिनट देख लो प्यारे बच्चों कह रहा है एक बीस माइक्रोफेरेट संधारित को पांच सौ बोल्ट तक आवेषित करके दूसरे दस माइक्रोफेरेट संधारित को दो सौ बोल्ट तक आवेषित करके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है बताइए कि दोनों संधारितों का उभयनिष्ठ विभव कितना होगा ठीक यू तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं बिल्कुल बिल्कुल सुना दूंगा लेकिन ये 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 क्वेश्चन लगाइए मेरे पैर बच्चों आप सभी लोग का डिमांड पूरा किया जाएगा क्लास ओवर होने के बाद सभी लोग का डिमांड डिमांड को पूरा किया जाएगा क्लास ओवर होने के बाद लेकिन क्लास पहले ये इसको बहुत सीरियसली पढ़िए मार्क्स लाना है हमको ठीक है अपने घर परिवार और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना है ठीक है करा एक बीस माइक्रोफेरेट के संधारित्व को पांच सौ तक आवेशित करके दूसरे दस माइक्रोफेरेट संधारित को बीस दो सौ तक आवेशित करके समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है बताइए दोनों संधायत का उपनिष्ठ विभाग कितना होगा वेट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ठीक है सुना देंगे बिल्कुल जो कहेंगे वो सुनाएंगे अरे भाई सॉन्ग का डिमांड मत करो सर पिछली बार फिजिक्स में ग्यारह का टॉपिक पूछा गया था आ जाएगा एडमिट कार्ड वाले परेशान ना हो हाँ डीएनएस का भी नाम रोशन करना है क्वेश्चन सुन लो लास्ट में सॉन्ग सुना देंगे बिल्कुल प्यारे बच्चों सीरियस होकर पढ़ लो इसको पढ़ लो पढ़ लो थोड़ा भोजपुरी हो जाए बिल्कुल भोजपुरी भी हो जाएगा तो बचवा लोग हे पढ़ ल जा हे पढ़ लो सवलिया लगा लो आई नमामा में तो दिमागवा घूम जाए बबुआ लोग लगा लो के सवलिया लगा 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 सब लोग लगा तनि लगाओ लगाओ ठीक बा पढ़ तनि जा पढ़ के मना कर सवलिया लगा के देखा तब न जानो लगा लगाओ लगाओ यार लगाओ लगाओ मजाक नहीं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है <laughs> मुंह मत पिटवा ठीक है हाँ नाम रोशन करो लगाओ लगाओ इसको देखो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है जब हमको कॉमन पोटेंशियल निकालना होता है ना जब कैपेसिटर को कनेक्ट करके अलग अलग चार्ज करके हमको कॉमन पोटेंशियल निकालना होता है कोई है जो इसका फॉर्मूला बता सकता है हमको कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला बता, बताओ बताओ फटाफट बताओ कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है सीवन प्लस सी टू भी फॉर्मुले में आप रख दीजिए क्वेश्चंस को आपका आंसर आ जाएगा ठीक ठीक है इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए क्वेश्चन को आपका आंसर आ जाएगा क्या होता है सीवन भी वन सी वन कितना है ऑप्शन नहीं दिख रहा है दो सौ बोल्ट तीन सो बोल्ट ऑप्शन दिख रहा है बता देंगे इसमें रखिए C1 कितना है बीस माइक्रोफेर ठीक है तो बीस गुड़े, दस घाते माइनस ठीक भी कितना है पांच सौ बोल्ट है पांच सौ प्लस वी टू सी टू वी टू सी टू कितना है सी टू आपका है दस माइक्रोफर टेन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई दो सौ और नीचे क्या हो गया नीचे हो गया ट्वेंटी इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स प्लस टेन इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इसको सॉल्व कर लीजिए ठीक <laughs> है इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा आंसर बताइए फार्मूला है कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है बताओ देख लो ये फार्मूला नोट कर लो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए होता है अपॉन सी वन प्लस, C2 अपान C1 प्लस C2. अच्छा नीचे भी कैपासिटर ऊपर भी कैपासीटर माइक्रोफेर चेंज मत करिए ठीक है चेंज हो जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा रखिए क्या है क्या है आपका बीस गुड़े पांच सौ प्लस दस गुड़े दो सौ अपॉन कितना आ जाएगा बीस प्लस दस तीस आ जाएगा सॉल्व करिए सॉल्व करिए कितना आ जाएगा ये आ जाएगा पांच दूना दस तीन सुन्ना ठीक प्लस दो एक का दो तीन शून्ना अपॉन तीस जोड़ दीजिए इसको कितना आ जाएगा ये हो जाएगा एक दो जीरो 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 डिवाइड बाय कितना तीस कैंसिल कितना आ जाएगा तीन सौ बारह चार सौ बोल्ट आपका आंसर आएगा देखिए मिल रहा है ठीक हाँ चार सौ बोल्ट क्वेश्चन है ठीक हां बिल्कुल पूछिए क्वेश्चन है अगर जेन्युन क्वेश्चन है बिल्कुल पूछिए मैं बताऊंगा ठीक है इसका चार सौ बोल्ट आ, कैसे निकलता है कॉमन पोटेंशियल C1 वन प्लस सी टू टू अपन भी वन प्लस बी टू जब कॉमन पोटेंशियल निकालना जब कैपेसिटर को चार्ज करके बार बार उनको टच कराया जा रहा है बिल्कुल मेरा यूपी कॉलेज में बहुत चार रैंक है बहुत बहुत बधाई मोहित जी ठीक है आगे आते हैं ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको आगे आते हैं देखो पढ़ने पे एकदम जोश जोश एकदम हाई रखो लो नहीं होना चाहिए अब ये ये बताओ किसमें है है दम कौन बाजीराव सिंघम सवाल लगाएगा मेरे चुविंगम ठीक लगाओ ये सवाल मेरे बाजीराव सिंघम किसमें है दम कौन है बाजीराव सिंघम ये सवाल लगाए लगाओ 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 लगा फटाक लगा, से लगाओ सर लगा, एग्रीकल्चर में सर अगर तीन कैपेसिटी दिया हो तो यही फार्मूला यूज कैसे करेंगे कौन सा फार्मूला? ये ये तीन फार्मूला सी वन भी वन प्लस सी टू भी टू प्लस सी थ्री थ्री जितना दिया होगा अपॉन सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ऐसे लगाएंगे जितने कैपेसिटेंस होगा वही है रीजनिंग की क्लास चलती है अब सुबह सर पढ़ाएंगे ऐसा लग जाएगा ठीक है क्रिकेट जी क्लियर बिल्कुल सर बीए बीए का का नहीं आया आ जाएगा कल बीए का कराया जाएगा कल कराया ये क्वेश्चन लगाइए कैलकुलेट द वर्क डन बाय द द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल एक चक्कर पूरा करने में ऐसे गैस चल रहा है गैस यहाँ से घूमते हुए फिर अपने घर पहुंच गया गैस निकला अपने घर से नानी घर होते हुए मौसी घर होते हुए अपने घर पहुंच गया ठीक आप बताइए कि गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा और डायग्राम कितना दिया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम दिया गया है क्या गुरु जी क्या हाल है एकदम मस्त एकदम चकाचक टकाटक टनाटन सब वन मिनट बताइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन दिया है कितना इसका ऑप्शन दिया है बताइए इसको फटाफट बताइए क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत मजेदार है थर्मोडाने का क्वेश्चन है ठीक है अच्छा देखो कोई बात नहीं भूल गए कोई बात नहीं ये डी डब्ल्यू बराबर क्या होता ये है ये देखिए डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है डी डब्ल्यू बराबर होता है पी इंटू डी चेंज इन वॉल्यूम अच्छा इंटीग्रेशन करते हैं तो डब्ल्यू बराबर निकलता है पी डी यानी इंटीग्रेशन देता है w निकालने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर दो हो जाएगा ठीक है तो ये प्रेशर इंटू वॉल्यू प्रेशर इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम क्या देता है एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन क्या देता है किसी कर्व के अंदर एरिया ठीक है एरिया क्या है ये है अगर इसका एरिया निकाल लेंगे

लंबाई कितनी है पी नॉट से थ्री पी नॉट कितनी ऊंचाई है टू पी नॉट ओके वन बाई टू मल्टीप्लाइड से टू भी नॉट यानी कि भी वन से टू से टू कैंसिल आएगा इसका ऑप्शन आएगा देख लीजिए ऑप्शन सी सी किसका आ रहा? सी बहुत गलत आंसर है बहुत घोर पाप है ठीक है कैसे निकालेंगे देखो वन बाई टू ठीक मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाई हाइट ठीक ये हाइट हो जाएगा अब देखो वन बाई टू, उसकी चौड़ाई कितनी है ये वी नॉट से कहा जा रहा टू वी नॉट कितने का डिफरेंस है ना टू से टू क्या जाएगा पी नॉट वी नॉट जब भी प्रेशर और वॉल्यूम का हमको कर्व दिया हो और एक कंप्लीट साइकिल हो एक कंप्लीट साइकिल बनना ना, यहां से चल रहा ऐसे पहुंचते हुए यहीं पहुंच गया एक कंप्लीट साइकिल बन रहा तो उसको उस क्या कर लो उस कर्व का एरिया निकाल लो आपको वॉकडन मिल जाएगा ठीक है उस कर्व का एरिया निकाल लो आपको वॉकडन मिल जाएगा और ये कर्व कैसा है ये कर्व क्या अपना ट्राइंगल और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है त्रिभुज का एरिया क्या होता है एक बटा दो लंबाई गुड़े ऊंचाई ठीक अपने घर से फिर नानी के यहां घर गया हाँ यही बात है तो ये हमारा आ गया ठीक है ये क्या आ रहा है टू पॉइंट क्या कौन सा आंसर आ रहा है आपका ठीक है तो इसका ऑप्शन जो होगा ये देखो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या पी नॉट वी नॉट इसका राइट राइट आंसर आंसर होगा होगा इसका ठीक right हो है बस 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 औदेश सुनकर जी बस 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 एस सी पीजी बी एड इंट्रेस का एग्जाम का प्रिपरेशन होगा सर एम जी के बीपी का बेस मान के आप लोग कर लीजिए आप लोग का का के बीपी हो जाएगा पीजी का अलग से नहीं होगा ठीक है थंगा भाई बिल्कुल थाम्बा ये मैं बोली ठीक है ए ए बिल्कुल सही ऑप्शन है समझ में आ गया ना बच्चों एक बार और बताइए देखो क्या साहिल वर्मा जी क्या दिक्कत है इसमें देखिए फिर से फिर से देख लीजिए ये क्या दिया है प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व दिया है प्रेशर और वॉल्यूम का, का सर जीके भी आएगा क्या हाँ जीके भी आका है प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व दिया है तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व दिया हमको वॉकडन चाहिए वॉकडन चाहिए तो हमें क्या चाहिए वॉकडन बराबर क्या होता है एरिया एरिया अंडर टीवी कर्व प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व होता है उसके अंडर जितनी भी एरिया आती है सब निकाल लो ठीक है तो ये ये कर्व ये है ठीक देखिए इसके अंदर का एरिया ये है ये एरिया कैसे निकलेगा ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक बटा दो बुढ़े लंबाई बुढ़े उच्चाई क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का यही हमारा क्षेत्रफल होता है लंबाई कितना है ये ये कितना है ये लंबाई ऊंचाई है सॉल्व कर लो पी नॉट भी नॉट इसका आंसर आ जाएगा समकोण है हाँ समकोण त्रिभुज है सब कॉम नहीं होगा तो कैसे होगा तब आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट से निकालना पड़ेगा तब यहां से निकालना पड़ेगा पी प्रेशर कांस्टेंट होगा डी वी ऐसे आप यहाँ से वी आई और वी फाइनल करके निकालना होगा हालांकि इस तरह के क्वेश्चन देता नहीं है तब फॉर्मूलास होगा बिल्कुल आगे आते हैं क्वेश्चन क्लियर है ना सबको आगे आते हैं ठीक है आगे आते हैं कर कंजर्वेशन ऑफ ये फटाफट बताओ मैं तो फिजिक्स पढ़ती भी नहीं फिर भी फिर भी जाती हूँ क्लास लेने क्यों भाई फिजिक्स पढ़ना चाहिए फिजिक्स पढ़ना चाहिए फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो हम चाय पी लेते हैं थोड़ा सा गला मेरा सूख रहा है ठीक है बुरा मत मानिएगा आप लोग को नहीं पिला रहे हैं पास नहीं है तो पक्का पिलाते हैं सबको ठीक है जरा इसको सॉल्व करिए ये बताइए द फर्स्ट लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडाने किसका कंजर्वेशन है मास का मोमेंटम मैकेनिकल एनर्जी का एनर्जी का मोमेंटम का बताइए फर्स्ट वन मास कंजर्वेशन होता है ध्यान से देखिए होगा शायद नहीं 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 फर्स्ट नहीं, लाभ नहीं। को याद करिए फर्स्ट लाभ थर्मोडायनेमिक्स को याद करिए प्यारे बच्चों कहता है किसी निकाय को दी गई उष्मा किसी निकाय को दी गई उसका उसके इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में खर्च हो जाती है ठीक है ब्लैक टी है कोई बात नहीं ग्रीन टी कह रहा है किसी निकाय को दी गई उष्मा उसके इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा कार्य में खर्च हो जाती है। यानि कि जो एनर्जी हीट एनर्जी दे रहे हो वो हीट एनर्जी क्या हो रही है दो फॉर्म में चली जा रही है कि एनर्जी क्या है, हमारा है। तो बट एनर्जी।, एनर्जी का होता है ठीक 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 बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है दी गई उष्मा उसके इंटरनल एनर्जी में प्लस डन में खर्च हो जाती है तो एनर्जी क्या है लेफ्ट हैंड साइड का एनर्जी इक्वल टू राइट हैंड साइड का एनर्जी तो एनर्जी कंजर्वेशन पे होगा सही हो गया बहुत सही ठीक है आगे आते हैं सर टी नहीं पिया करिए टी नहीं है ये दिखा दें आपको ये ब्लैक टी है गला सूख रहा था इसीलिए मंगवाया है ठीक है इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं अब ये क्वेश्चन लगाइए कार्नौट इंजन से क्वेश्चन फिक्स रहता है लगाइए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ सिंक इफ द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इस 50% एंड टैक्स हिट एट 0 डिग्री सेल्सियस मे बी पैटर्न चेंज कर सकता है स्वाति नंदा पैटर्न चेंज कर सकता है कोई फिक्स नहीं है 11th थोड़ा हुआ है ये सारा 11th का ही तो पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए सारा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन ही लगा लीजिए एफिशिएंसी करा सिंक का ताप क्या होगा यदि उष्मा इंजन की दक्षता 50% है तथा यह 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर उष्मा लेता है बताइए बताइए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है ईटा बराबर होता है टी टू होता है ठीक है मैक्सिमम टेम्परेचर किसका होता है मिनिमम टेम्परेचर होता है सिंक का और मैक्सिमम टेम्परेचर किसका होता है ये होता है सोर्स का ये फॉर्मूला याद रखिएगा वन माइनस टी टू अपॉन टी वन जहां टी टू क्या होता है

T2 T1. ये दिया है कितना दो तो सौ इसको सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर लो सॉल्व करो कितना आ जाएगा यह बाई टू इसल टू वन माइनस टी टू अपॉन टू सेवेंटी थ्री वन को इधर इसको इधर ले जाओ तो टी टू बाई टू जाएगा थ्री बाई टू टी टू कितना आ जाएगा इसका करेंगे दो एक का लगभग आंसर आएगा कोई बात नहीं फिजिक्स वीक है कोई बात नहीं मैं जितना करा रहा हूं उतना ही कर लीजिए इलेवेंथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर जितना मैं करा दे रहा हूं उतने ही क्वेश्चंस कर लीजिए उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछेंगे परेशान होने की बात नहीं है मैं आपको करा रहा हूँ परेशान मत होइए जितना मैं करा दे रहा हूँ बस उतना कर लीजिए एकदम बना के जिनका कमजोर है ठीक है मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए उस टाइप के को आप सॉल्व कर लीजिए क्लास में कैसे हो गया ये माइनस टी टू अपॉन टी वन ये टी टू किसका टेम्परेचर होता है ये टी टू टेम्परेचर होता है सिंक का और टी वन किसका टेम्परेचर होता है सोर्स का सोर्स से इंजन क्या करता है टेम्परेचर हीट लेता है और सिंक पे जाकर रिजेक्ट करता है ठीक है तो ये हो गया अब सबका कमजोर हो गया सबका फिजिक्स कमजोर हो गया अभी तो सब लोग आंसर दे रहे हो बताओ बता ये समझ में आया कि नहीं सबको बताओ कोई बात नहीं सब क्लियर होगा कोई बात नहीं यूपी कॉलेज वाले कभी कभी पागलपंती कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा इसलिए तो इस बार बहुत सारे एमसी कराए जा रहे हैं बापरे बाप मेरा मोबाइल भी ऑफ होने वाला है ठीक जल्दी जल्दी करिए क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आगे आते हैं कहते हैं फॉर द रियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करा एक वास्तविक गैस वाल गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है वॉयस टेम्परेचर इज ए बाई बी ठीक है क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए बाई आर बी ठीक ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज टू ए अपॉन आर बी इनवर्सल टेम्परेचर इज ए अपॉन टू आर बी ठीक बताइए कर आई फॉर अ रियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रियल गैस के लिए कौन सा चीज करेक्ट है बताइए बताइए बॉयल्स टेम्परेचर कितना होता है कौन बताएगा सब लोग जवाब दो सब लोग सोए पड़े हो सब लोग सोए पड़े हो बॉयस टेम्परेचर कितना होता है टीबी टू ए अपॉन आरबी ठीक ये बॉयस टेम्परेचर होता है ठीक और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है कौन बताएगा क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है टी होता है एट ए अपॉन ट्वेंटी सेवन आरबी ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है ठीक है बी क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए अपान आर बी ना ना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वंडर वाले इक्वेशन में एट ए अपॉन ट्वेंटी सेवन आरबी ठीक है ए आर आर बिल्कुल क्रिटिकल बॉयल्ड टेम्परेचर होता है ए अपानरबी बॉयल टेम्परेचर क्या होता है ए अपान आरबी ए ऑप्शन इज राइट ठीक नहीं होगा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ठीक है तो कार्ड और आधार कार्ड के अलावा क्या ले जाना है सेंटर पे बता दिया कुछ नहीं बस इसके बाद फोटो लेते जाइएगा आप ठीक है आगे आइए पढ़ने में मन नहीं लग रहा क्या क्लास बंद कर दें। क्लास बंद कर दें एक पिक्चर देखा होगा कौन सा सुपर थर्टी अगला उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है द ग्लास रॉड इज इमोजन लिक्विड कुछ याद आया बी ए के हैं हम बता दिए जाएंगे अ ग्लास रॉड इज सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यदि एक छड़ को उसी अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है तो क्या करेगी एक ग्लास का रॉड है ठीक उसी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का हमारा लिक्विड भी है ठीक है तो क्या होगा लुक बेंट लुक लॉन्गर लुक शॉर्टर या डिसपियर फोटो ये याद आ रहा होगा कि जि, किसने जिसने जिसने सुपर थर्टी मूवी देखी है उसमें एक सीन आता होगा जब उसको हॉस्पिटल से गायब करते हैं जब पेशेंट को हॉस्पिटल में अटैक होता है पेशेंट को गायब करते हैं तो दो लेंसेस के बीच में क्या कर देते हैं सामने वाली चीज डिसअपियर हो जाती है हाँ जब सेम ग्लास रॉड रहेगा और सेम लिक्विड लिक्विड का भी सेम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रहेगा जो ग्लास रॉड का है तो वो ग्लास क्या हो जाएगा वो रॉड क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा जब ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो ग्लास डिसअपियर हो जाएगा छोटा हो जाएगा डी हो जाएगा तो ग्लास रॉड डिसअपियर हो जाएगा ठीक है बहुत चलाक हो तुम लोग अब बताइए मजाक नहीं ठीक है मूवी सीरियल कुछ नहीं देखते हैं हम साहिल वर्मा जी पढ़ाई करिए करा इफ बायो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 ग्लास इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 इट्स फोकल लेंथ बताइए सर भी हंस दिए बहुत तुम चालाक हो बच्चों एक उभय लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है एवं फाइव सेंटीमीटर जो लेंस है उसकी फोकल होगी टेन सेंटीमीटर जीरो सेंटीमीटर अनंत या जीरो से दस सेंटीमीटर के बीच में क्या होगी बताइए थ्री होगी अनंत कैसे इसका एक फॉर्मूला होता है देखो वन बाई एफ वन बाई एफ इक्वल टू ये होता है म्यू माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ठीक अब क्या कर रहा है जब वन पॉइंट फाइव था तब कोई दिक्कत नहीं था लेकिन जब उसका क्या कर दोगे वन पॉइंट फाइव कर दोगे तो हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन ये फार्मूला माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू पहले बारे फार्मूले में वन पॉइंट फाइव और एफ की वैल्यू तुम लोग टेन रख के यहाँ से वन बाई आर वन वन बाई आर टू की अब यहां से वन बाई आर वन वन बाई आर टू रखोगे लेकिन यहाँ म्यूटी की वैल्यू भी वन पॉइंट फाइव है इंफानाइट तो ठीक है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इंफानाइट इस केस में थर्ड ऑप्शन क्या है राइट right है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आगे आइए आगे आइए आगे आइए कह रहा है कि वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ टू सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब इफ द ट्यूब इज चिल्टेड बाय सिक्सटी डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल वाटर विल नाउ राइज द लेंथ ऑफ क्या एक केस नलिका में पानी दो सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ा है ठीक है कह रहा है उर्ध से साठ डिग्री कोण से नलिका को झुकाने पर पानी निम्न ऊंचाई तक चढ़ेगा आ रहे हैं गुरुजी आइए ठीक ये, ये बताइए एक ऐसे कोई नलिका रखा हुआ है उसमें पानी चढ़ा हुआ है उसकी हाइट एच है अब उसी नलिका को क्या कर दे रहा है से डिग्री के एंगल तक क्या कर दिया जा रहा है झुका दिया जा रहा है तो बताओ कि पानी कितनी हाइट तक चढ़ेगा बताओ एंटीमीटर दो सेंटीमीटर है हाइट कितना है टू सेंटीमीटर बहुत सही फोर्थ जिसका आ रहा है बहुत सही है ठीक है अच्छा जब उद्धवाधर झुकाओगे दो कंपोनेंट में टूट जाएगा इसका लेंथ यल है दो कंपोनेंट में जो जाएगा एल कोसटा एल साइन थीटा इधर वाला और इधर आ जाएगा एल थीटा और यही एल थीटा किसके बराबर होगा वैल्यू है यही बराबर होगा इसके हाइट के ठीक है, है हो कि पहले टू टू मल्टीप्लाइड बाई टू कितना फोर सेंटीमीटर ऑप्शन सही आएगा चौथा नहीं आएगा चार नहीं आएगा ये फोर सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है बहुत सही सारे बच्चे भाग रहे हैं अब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में ठीक खत्म हो गया क्या खत्म हो गया क्या यार नहीं है अभी ठीक कितना है अभी तो क्वेश्चन है ठीक है आइए आइए फटाफट करिए करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं ठीक कह रहा है ऑर्गन पाइप तैयार है ना करने के लिए थके नहीं ना है थके नहीं ना है कराएं आगे पांच छह क्वेश्चन और हैं आगे करा रहे हैं तैयार है तो बताइए तैयार है ना आप बताइए बताइए कराएं आगे की रोक दें आप लोग क्या करें पढ़ाए ना नहीं सर नहीं सर क्या पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं बताइए पांच छह क्वेश्चन और सेवन क्वेश्चन और है सर हाँ सेवन क्वेश्चन और है करा लेते हैं फटाफट बताइए यस सर बने रहिएगा ठीक

एन वन क्या हो जाएगा जब दोनों सिरे खुले होंगे तो इसका क्या होता है बाई टू ठीक है जब दोनों सिरे बंद हो जाएंगे तो ये ये कितना हो जाएगा का रिलेशन होता है वन ओपन बोथ ओपन और वन इंड क्लोज जब दोनों सिरे ओपन होते हैं तो भी बाई टू एल और एक सिरा बंद कर दिया जाता है तो भी बाई फोर एल ये आता है ठीक है एन वन अपॉन एन टू का जी रेसि निकालोगे ये आएगा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा b बाई टू एल और नीचे कितना हो जाएगा b बाई फोर एल एल से l क्या हो जाएगा कैंसिल ये हो जाएगा एन वन बाई एन टू इसको टू कितना जाएगा? 2 आ जाएगा ये टू आ जाएगा ऊपर जाके ठीक है एन वन की वैल्यू दे रखी है कितना एन वन की वैल्यू रखी फोर हर्ट्स फोर हंड्रेड हर्ट्स एन टू निकालना है ये कितना आ जाएगा टू ठीक ये दिया है और एन टू बराबर कितना आ जाएगा फोर हंड्रेड डिवाइड बाई टू ये कितना आ जाएगा दो सौ हर्ट्स जो है इसका सही ऑप्शन आएगा बहुत सही शिवम भारद्वाज जी बहुत सही आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया सभी आंसर आप बहुत करेक्ट दे रहे हैं बहुत सही पढ़ते रहिए ऐसे मजा आएगा ए आपका राइट आंसर आएगा जब दोनों इंड बने होते हैं दोनों इंड बंद होते हैं दोनों इंड जब ओपन होते हैं दोनों इंड बंद होते हैं तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एन आती है कितना भी बाई टू एल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जब एक इंड ओपन होता है एक इंड क्लोज होता है तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आती है भी बाई फोर एल ये याद रखिएगा ठीक तो ये दिया हुआ है रख देंगे आ जाएगा बोलिए सर प्लीज क्या आदित्य वर्मा जी क्या पूछ रहे हैं ठीक है एमजीकेपी के पी से कोई बीसी का फॉर्म भरा है नहीं अभी कोई बीपी बीसी भरा होगा लेकिन यहां आप... रिपीट सर बिल्कुल रिपीट करते हैं जब कहते हैं कि जब बोथ ठीक बोथ इंड आर ओपन या क्लोज जब दोनों सिरे बंद होते हैं ऑर्गन पाइप या खुले होते हैं तो उसकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है बी बाई ठीक है जब one is close, जब एक close हो जाता है, तब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है इसको एन तो टू निकाल लेंगे तो ये टू का रेशियो आ जाएगा देख लीजिए ठीक अब n1 वन कितना दिया है फोर हर्ट्स ठीक है एन टू निकालना है आपको निकाल लीजिए एन टू आपका टू सौ टू सौ हर्ट्स आ जाएगा ठीक बिल्कुल समझ में आया क्रिकेट जी ठीक है रिपीट कर दिया आगे बढ़ते है, है आदित्य वर्मा जी परेशान ना हो कह रहा है एक तालाब के पानी में एक मीटर की गहराई में आराम करने वाली मछली का आभासी गहराई प्रतीत होगी म्यू की वैल्यू दिया है म्यू की वैल्यू क्या आपका पता करना है कहां दिया है वाटर में दिया है बताओ वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वाटर. ये हमको पता होना चाहिए ये होता है ठीक है और क्या होता है म्यू म्यूज हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आभासी गहराई पूछ रहा है यह होता है रियल डेफ यह होता है क्या होता है म्यू की वैल्यू क्या लिखते हैं म्यू की वैल्यू लिखते हैं क्या अपरेंट डेफ ठीक अपरेंट अपन क्या लिखते हैं आभासी गहराई अपान वास्तविक गहराई रियल डेफ्त ये फॉर्मूला होता है ठीक है म्यू की वैल्यू नहीं दी है वाटर दिया है तो 1.33 ये हमको पूछ रहा है डी अपरेंट पूछ रहा है अभासी गहराई पूछ रहा है रियल वन मीटर दे रखा है तो डी अपरेंट कितना आ जाएगा अब हासीिक वन पॉइंट थ्री थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन ये आ जाएगा डी कहां से आ जाएगा ये आपका राइट आंसर होगा डी नहीं आएगा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ ठीक है फर्स्ट आंसर होगा अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ क्लियर है कंफ्यूज कह हो गए बताइए अच्छा फार्मूला गलत लिख दिया क्या मैंने कोई बात नहीं फार्मूला गलत लिखा है शायद मैंने फार्मूला गलत लिखा है जरा ये निकालो म्यूज कॉल टू होता है क्या रियल डेफ अपॉन अपरन डेफ तो फार्मूला गलत हो गया ठीक ये फार्मूला मिस्टेक हो गया लिखने में ठीक ठीक ऊपर नीचे हो गया बिल्कुल बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया बिल्कुल वही आपका हो गया देखिए बताइए कितना आ जाएगा? वन डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री थ्री कितना आएगा जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा नो सर ये फॉर्मूला होता है ठीक ऊपर नीचे हो गया बिल्कुल बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया रियल डेप्थ जरा वन को वन पॉइंट थ्री थ्री से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा बताइए फटाफट क्या आ रहा वन डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री थ्री अरे इसको सॉल्व करके बताओ यार कैलकुलेट करना पड़ेगा कोई बोलो वन डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री थ्री कितना आएगा बताइए बताइए सब लोग बताइए ठीक है रियल देप अपन डेप्थ ये होता है ठीक इसको बताइए कितना आएगा डिवाइड करेंगे ठीक है हम ही कर ले रहे हैं आप लोग मत करिए वन डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट सेवन फाइव बी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा हाँ पॉइंट सेवन फाइव आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे ये ऑप्शन राइट होगा ये फॉर्मूला रखिएगा गलती से मुझे लिखा गया था इसको याद मत रखिएगा ठीक ये हमारी ये फॉर्मूला होता है रियल देव अपन अप्रेन अब सही है सर बिल्कुल बिल्कुल

या विद्युत चुंबकीय बल या गुरुत्वीय बल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल हाँ कोई ए बोले कोई बी बोले कोई सी बोले, को बोले, को बोले किसी ना किसी का तो सही होगा ना ऐसा नहीं है ठीक है जो होगा जो हमारा विस्कोसिटी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है विद्युत चुंबकीय बल होती है क्यों क्योंकि वो थोड़ा चार्ज डिस्चार्ज हो रहा दो लेयर हैं ठीक है वो नहीं दो लेयर हैं दो लेयर के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं और दो लेयर के बीच में क्या होते हैं होते हैं और आयंस जब भी करते की करते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, A, B, C, क्या है? है? है ना ना ये नहीं है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेट है ठीक है हाँ ये फॉर्मूला बता दिया सिक्सावी ठीक है ये कोई ग, ग, वो है डी सब सही है नहीं इसका डी इसका सी ऑप्शन सही है याद कर लीजिए सेकेंड नहीं होगा सी ऑप्शन सही है सी विद्युत चुंबकी होता है विस्कोसिटी आगे ठीक कह रहा है करा, आ, ये बताओ एन आइडियल गैस अंडर गोस टू द प्रोसेस ड्यूरिंग पी भी पी रूट भी बराबर कॉन्स्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी ठीक है कह रहा है एन आइडियल गैस अंडरगो अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच पी पी रूट भी बराबर ठीक एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है क्या क्यों नहीं होता है बिल्कुल होता है अब मजाक नहीं अब सवाल इसको सॉल्व करिए ठीक है करा, एक आदर्श गैस एक प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें पी रूट भी बराबर कॉन्स्टेंट है स्थिरांक है गैस का आयतन घट रहा है तो गैस का तापक्रम क्या होगा बताइए गैस का तापक्रम क्या होगा बताइए बताइए गैस का तापक्रम क्या होगा हाँ बिल्कुल आएंगे हम मिलने सबसे आएंगे बच्चों का डिमांड आना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा हमें तो यारो आना पड़ेगा ये बताओ ये लिखा है पी के पावर वन बाई टू बराबर कॉन्स्टेंट ये लिखा है ना यानी कि ये कुछ इस टाइप का लिखा है पीबी के पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट ये किस किस प्रोसेस का इक्वेशन है पीडीती पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट किस प्रोसेस का इक्वेशन है इसको बोलते हैं क्या एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस और एडियाबैटिक मतलब यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में हमारा टेम्परेचर वो होता है कॉन्स्टेंट रहता है है प्रक्रम में हीट जो होती है वो कांस्टेंट होता है और हीट किसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का नियत रहता है तो रिमेन्सटेंट टेम्परेचर क्या होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा याद रखिएगा पी भी के पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट है यानी कि यह कौन सा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा ये हमारा ये हमारा टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होगा ठीक है ए इज द राइट आंसर बहुत सही आगे आते हैं है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ आइडियल मॉलिक्यूल इज एक परमाणु गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा होती है गलत हो गया कोई बात नहीं समझ गए ना समझ गए समझ जाइए करा द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ अटोमिक आइडियल मॉलिक्यूल इज मालिक्यूलिस एक परमाणु गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा होती है रोटेशनल टोटली पोटेंशियल टोटली कानेटिक या पार्सली पोटेंशियल घूर्णन की पूर्ण रूप से स्थिति गति गई जायस पानी में भयस पानी में नहीं गई ठीक है कोई बात नहीं पानी से निकाल लो नहाने का मन कर रहा होगा इसलिए भैंस चली गई होगी कोई बात नहीं नहा के वापस बुला लो उसको कह रहा है कि जब गैस की मोनोटामिक गैस होती है उसकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है

क्या होता है आइडियल मालिक्यूल होता है उसकी जो एनर्जी होती है टोटली totally काइनेटिक क्या होती है क्योंकि एक सिंगल एटमोट मतलब सिंगल एटम सिंगल एटम क्या कर सकता है केवल एक्स में जा सकता है वाई में जा सकता है जेड में आ सकता है डबल डबल एटम होते तब क्या करते रोटेट कर सकते थे वाइब्रेशंस कर सकते थे लेकिन सिंगल एटम है डी नहीं होगा सी होगा टोटली कनेक्टिक एनर्जी होगा करेक्ट करिए टोटली कनेक्टिक एनर्जी होगा हाँ बिल्कुल सी सी टोटली कनेक्टिक एनर्जी होगा करा दे डज नॉट डिपेंड ऑन किसी संधारित की धारिता किस पे निर्भर नहीं करती है फटाफट बताओ देशन बिटवीन द प्लेट द साइज ऑफ द प्लेट द चार्जेस ऑफ द प्लेट यान ऑफ द कैपेसिटेंस कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन ठीक है बिटवीन प्लेट्स साइज ऑफ़ प्लेट ऑफ़ द्लेट नॉन क्या होता है सपरेशन पे डिपेंड करता है डिपेंड करता है ठीक है साइज ऑफ प्लेट एरिया दिया है ना साइज ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करता रहा है चार्ज चार्जेज ऑफ प्लेट बिल्कुल डिपेंड करता है किस पे नहीं डिपेंड करता है इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है नोर्थ ऑप्शन प्लीज हिंदी में बताई हिंदी में बता रहे हैं कि दो कैपासिटर में कह रहा है the capacitance capacitor, संधारित की धारिता इनमें से किस पे निर्भर नहीं करती है द सपरेशन बिटवीन द प्लेट प्लेट के बीच की दूरी से द साइज ऑफ प्लेट प्लेट का आकार के दार्जेज ऑफ द प्लेट प्लेट के ऊपर आवेश के नई नहीं तो जो हाँ हिंदी में तो बता रहे हैं बिल्कुल हिंदी में बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है जो सी होता है जो सी होता है होता है नॉट ए बाई डी ये होता है यानी उसके दूरी पे भी निर्भर करता है सप्रेशन पे निर्भर करता है ठीक है साइज क्योंकि एरिया है तो साइज पे भी निर्भर करता है चार्ज क्योंकि चार्ज पे भी निर्भर करता है तो नन ऑफ दिस नहीं नन ऑफ चार्ज होता है सी स्कोल टू क्या होता है क्यू ये भी तो होता है तो क्यू पे भी निर्भर करता चंदन याद हो क्यू पे भी निर्भर करता है ना सी स्कोल टू क्यू अपॉन भी होता है तो क्यू पे भी निर्भर करता है न ना दिए इसमें से किसी इसमें से ये है ना दि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है सी नहीं होगा सी नहीं होगा डी ऑप्शन होगा निये बाब क्यों नहीं चार्जेस ऑफ प्लेट क्यों नहीं सी स्कोल टू क्या होता है क्यू अपॉन भी ये क्यों क्या होता है चार्जेस प्लेट पे जो चार्जेस होते हैं क्लास कब होगा खत्म कब होगा बस होने वाला है ठीक है तो इसका ये ऑप्शन होगा डी करेक्ट करिए फटाफट डी डी बिल्कुल बिल्कुल सर सी होगा सी नहीं होगा चार्जेस ऑफ द प्लेट क्यों नहीं डिपेंड करता सी स्को टू क्या होता है बता तो रहे हैं सी स्को टू होता है क्यू अपन नहीं डिपेंड कर रहा है सी सी पे डिपेंड करता है नहीं करता पूछ रहा है तो इसमें नॉन ऑफ दिए होगा ठीक है सही कर लीजिए मिनी जी आगे आ रहा है ठीक है लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है बस लास्ट क्वेश्चन है करा थिन लेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सी होगा सी क्यों होगा मिनी अब बताइए सी किस लिए होगा कैसे होगा आप बार बार सी कह रहे हैं इस क्वेश्चन का सी किस वजह से होगा देख लीजिए सी किस वजह से होगा चार्जेस ऑफ प्लेट क्यों टू क्या होता है Q upon भी. ये क्या होता है पोटेंशियल बिटवीन प्लेट क्यों होता है चार्ज चार्ज ऑन प्लेट सी नहीं होगा सी नहीं होगा डी होगा ठीक करेक्ट करिए हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद सीख है

तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी आगे बढ़िए सर फोकस दूरी कितनी होगी अच्छा फार्मूला जानते हैं क्या फार्मूला जानते हैं देख लो लास्ट क्वेश्चन है मन से देख लो वन बाई एफल टू होता है ये होता है म्यू टू बाई म्यू वन माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू जब एयर में रखा गया है एयर में रखा गया है तब उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है

ये हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट फाइव कैलकुलेट कर लो तिर गुड़ा कर दो ठीक है तो यह हो जाएगा वन बाई आर वन वन बाई आर टू की वैल्यू अब दोबारा में रखेंगे रख दी जिसका by है तो चलो दूसरा रख दो अब उसमें वन बाई एफ ज्ञात करना है म्यूटू म्यूटू कितना है किसका ग्लास का पुरतलांग कांच का वन पॉइंट फाइव अब किसमें रख रहे हैं उसका इंडेक्स कितना है फोर बाई थ्री तो नीचे फोर बाई थ्री ऊपर थ्री हो जाएगा माइनस वन और वन बाई आर वन वन फिफ्टीन मल्टीप्लाइड कर लो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व के बाद इसको, कितना पंद्रह जाएगा ये आपका आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाई फोर माइनस वन और ये डिवाइड हो जाएगा वन अपॉन फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट फाइव कैलकुलेट कर लीजिए

कैलकुलेट कर लिया इसका 60, हाँ, right. 60 इसका फोर ऑप्शन इज़ राइट आंसर कल जो क्लास होने वाली है, उसमें current, current, और आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का मिला के सेमी कंडक्टर का मिला के हाँ चंदन यादव जी बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया है सच में बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया है सारे बच्चे बहुत अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे अब बहुत जल्दी आप लोग अगला सेशन कल ज्वाइन करिएगा ठीक है कर रक्षा अच्छा बंधन छुट्टी मत मनाइएगा कल क्या करिएगा क्लास ज्वाइन करिएगा और फिजिक्स का जो के में है उसको ये गाना हमको नहीं आता तेरी नजरों ने दिल का किया वो हशर ये वाला सॉन्ग ये सॉन्ग मुझे नहीं पता कुछ दूसरा ऑप्शन दीजिए गाना सुना देंगे अरे भाई सबकी जिम्मे सबका रिस्पॉन्स गाना सुना देंगे तो क्या हुआ सर गाना सुना दिया जाए बच्चों को कि शरीया याद तो नहीं है ना यही तो बात है गाना ही नहीं याद है सांग अच्छा कोई पुराना सांग बताओ कोई पुराना सांग बताओ नया सांग हमको याद नहीं आता उसका लिरिक्स हम भूल जाते हैं कोई पुराना फटाफट बताओ फटा -फट बताओ, फटा -फट बताओ नाराज नहीं होते नहीं ये सदमे वाला आंख हमारे अरे ऐसा सा गाना सुना दो लाइव क्लास में बच्चे बेहोश हो जाएं गूगल से रिलीज देख लो ना आप अब गूगल से रिलीज सबको सुने भी तो होना गाना चाहिए ना देश भक्ति सुना दीजिए <laughs> वो अरिजीत सिंह का कौन सा गाना है देशभक्ति कौन सा गाना है कौन बताएगा मेगा टेस्ट सर कल होगा तो, वो होगा कल मेगा टेस्ट बारह तारीख को होगा इसका बेका, अनाउंसमेंट होने वाला है एक भोजपुरी सॉन्ग हो जाए भोजपुरी नहीं होगा लाइव क्लास के अंदर भोजपुरी नहीं, नहीं होगा एक वो बताइए अरिजीत सिंह का कोई देशभक्ति गाना है ना कौन सा गाना है आ, कोई देशभक्ति गाना था कुछ दिन पहले ही निकला था ना ना सही मुन्नी बदनाम मजाक नहीं करिए सुनना है तो सुनिए ठीक है देशभक्ति गाना बताइए देशभक्ति गाना बताइए बताइए वो अरिजीत सिंह का गाना था ना मुझे याद नहीं आ रहा बताइए थोड़ा सा हिंट दीजिए मुझे याद आ जाएगा हाँ देश मेरे तेरे साने से सद के ना यही गाना था ना यही गाना था ना ओ देश मेरे हाँ यही गाना था प्लीज प्लीज पहली मोहब्बत का एहसास है तू और व, 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 क्या था लिरिक्स यार नो सर हिंदी सॉन्ग ठीक है हिंदी सॉन्ग ही सुनेंगे आप चलो यही सुनाते हैं यही है ना गाना तू मेरी जिंदगी है किटकहट जी किटकहट ज्यादा डीप हो गया यही है ना तू मेरी जिंदगी है यही इसी का लिरिक्स है ना पहली मोहब्बत का एहसास है, है तू यही है ना सुना ये गाना सुनाया जाए यस सर हिंदी सॉन्ग ठीक है आ, मुझे एक मुझे वो चाहिए यस सर नो सर हिंदी हिंदी सुना रहे हैं रुक जाइए अब बच्चों की डिमांड पूरी करनी पड़ती है थोड़ा गला सही नहीं है देखना पड़ता है लिरिक्स ढूंढना पड़ेगा ठीक लिरिक्स याद नहीं है ठीक है एक मिनट एक मिनट रुक जाइए लिरिक्स ढूंढ ले दीजिए हम्म हम्म एक मिनट आप लोग धैर्य बनाई रखिए चलिए सुनाए आप लोग को तैयार हैं आप लोग मेगा टेस्ट होगा मैनी जी मेगा टेस्ट होगा सुना है ना सर सुना दीजिए नेट जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल सुना रहे हैं ठीक है सुना रहे हैं सुना रहे है, गाना सुनिए मेरे प्यारे बच्चों आपका डिमांड है ठीक है सो so, प्लीज बच्चे का कहना है भाई आप लोग के आप लोग सब कुछ हैं हम आपके लिए सब कुछ हैं आप हमारे सब कुछ हैं ठीक है तो अब आपको गाना सुनाते हैं आपका आपके कहते हैं ना आपके फरमाइश पे राय सर की तरफ से ये गाना थोड़ा गला भी बैठ गया पढ़ाते पढ़ाते फिर भी मैनेज कर लीजिएगा ना कहते हैं कैसा गाना है नर्व डाउन कर बंद है ना कोई आएगा नहीं ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट चले सुना आप लोग को तैयार है ना ठीक है एस आई एम रेडी तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आसगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत ही यार जू है तू मेरी जिंदगी है पहली मोहब्बत का एहसास है तू ओ पहली मोहब्बत का एहसास है तू बुझ के जो बुझ ना पाए वो प्यास है तू तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखरी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है बस हो गया <laughs> बस बस अब मत कहिएगा कोई लोग ठीक <laughs> है आप लोग की अब हमारा करना आप करिएगा ठीक है आपका कहना हमने कर दिया अब आप सब क्या करेंगे इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे सारे क्वेश्चन फिर से लगाएंगे अगर रिस्पेक्ट होगी अगर मेरी बात मानेंगे सब लोग तो पीडीएफ यहां से डाउनलोड करेंगे एक घंटे बाद और सब लोग फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है ना बच्चों कोई बात नहीं बहुत बहुत अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सेंटर पे मिलेगा फिर सुनाएंगे आप लोग को लेकिन यहां से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और फिर इसको सुनाइएगा आप लोग तो हार्ट बीट बढ़ा देंगे चलें फिर मिलते हैं बहुत जल्दी सब किसी को कुछ कहना है किसी को कुछ पूछना है पूछिए कहाँ से सर यहां से जब ये आपका डाउनलोड होगा ना जब ये अपलोड होगा उसके एक डेढ़ घंटे बाद आपका कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर दिया जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और करके सभी लोग फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो तीन मैंने प्रैक्टिस करा तीनों सॉल्व करेंगे ठीक है गुड नाइट गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों गुड नाइट गुड नाइट बहुत जल्दी मिलते हैं कल फिर आएंगे इसी टाइम साढ़े छह बजे आप लोगों से जुड़ेंगे ठीक है और कल सारे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ट्वेल्थ जो पोर्सन है अल्टरनेटिंग करंट हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया और हमारा इलेक्ट्रोस्टैट हो गया और थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे ठीक मिलते हैं बहुत जल्दी बाय बाय थैंक यू